मैं शिवशंकर प्रसाद, पीएससी डिपार्टमेंट, जिकितजा हेल्थ केयर लिमिटेड में कार्यरत हूँ। आज हम आप लोग के समक्ष स्नेक बाइट क्या होता है और इस तरह के केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हमारे इस देश राज्य में 70% स्नेक जो होते हैं वह नॉन पॉइनस होते हैं, 30% स्नेक जो होते हैं वह पॉइनस होते हैं। लेकिन स्नेक बाइट के नाम से ही हम लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इस 30% में दो प्रजाति के सांप जो होते हैं, एक यह कोबरा स्नेक जो काफी पॉइनस होते हैं और दूसरा यह करेंट स्नेक जो होते हैं यह भी काफी पॉइनस होते हैं। अब है कि जब भी स्नेक बाइट होता है तो काटे हुए जगह पे हमें दो दांत और पिंच के निशान दिखाई देते हैं। जब भी स्नेक बाइट होता है तो उस केस में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में अब जानकारी दे रहे हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए तो कभी तांत्रिक या सपेरा के पास नहीं जाना चाहिए। काटे हुए जगह पे कभी शक नहीं करनी चाहिए। काटे हुए जगह पे किसी चीज से चीरा नहीं लगाना चाहिए। काटे हुए जगह के ऊपर किसी चीज से बांधना नहीं चाहिए। काटे हुए जगह पे किसी चीज से जलाना नहीं चाहिए। काटे हुए जगह पे कभी हर्बल या किसी तरह का पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हमें करना क्या चाहिए तो काटे हुए जगह पे कोई लकड़ी या गट्टे के सहारे उस पार्ट को इमोबिलाइज करनी चाहिए। काटे हुए जगह लाइक हाथ या पैर को हमेशा हार्ट के लेवल में रखना चाहिए। काटे हुए जगह पे साफ कर उसे ड्रेसिंग करना चाहिए। हालांकि कुछ मेडिकल लिटरेचर कहता है कि उसे साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर्स उस काटे हुए जगह को देख के उन्हें यह जानकारी मिलती है कि यह स्नेक जो है वह पॉइनस है या नॉन पॉइनस है। अब है जब भी स्नेक बाइट होता है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि कमजोरी महसूस होना, काटे हुए जगह पे सूजन का बढ़ जाना, आंख की पलकों का गिरना जिसे टोसिस बोला जाता है, जवान का लड़खड़ाना, मुंह से सलाइवा लार आना जिसे ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा, लकवा पैरालिसिस जैसा फील होना, खून बहना, ट्रीमर बॉडी का थरथराहट होना और ड्रॉजी सुस्ती होना। तो जब भी स्नेक बाइट हो तो हम लोग तुरंत उस रोगी को अस्पताल लेके जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से इस चीज की जानकारी मिली होगी। कृपया इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।